तो ढूंढने के बाद वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? टेस्ट नहीं होगा लाइव प्रोसेस को? हाँ बिल्कुल, टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए बोला था मैंने। यस सर, करवा दो। रैंडमली क्वेश्चंस बोलेंगे और हम आंसर देंगे। क्या क्या? यस सर, आपने बता दिया। आप रैंडमली क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे या फिर बोलेंगे कि लिखनी कॉपी में और सब फिर हम बताएंगे आपको। ओके ओके, सबसे पहले हम जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले जो आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना, यस सर, उसके डाउट्स पूछो। सबसे पहले प्लांट वाला जो एरिया था, देन जो ह्यूमन वाला एरिया, दोनों का हमें पूछना है ना। तो सबसे पहले प्लांट से स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो प्लांट्स वाले में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, फिर मैं टेस्ट लेता हूँ। ऑडिबल है? यस सर, यस यस सर। तो रिप्रोडक्शन सर, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मैं तो दिखाई दे रहा हूँ। यस सर, यस सर, मेरे को देखो बस। सर गोवा में सर, अच्छा गोवा में हूँ सर। आप इंस्टीट्यूट में बैठे हो? चेंज करेंगे, नहीं गोवा से पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है? यस सर, यस सर, ये ठीक है। नो सर, पहले वाला ही सही था सर, पहले वाला अच्छा है, पहले वाला ही सही था सर, आपकी ये ठीक है। चलो ये बात ठीक है। यस सर, इसमें लगता है कि हमें एक डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी सर, इसपे ग्रीन पी लगाते ना, ताकि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ग्रीन नहीं हो सकता। ओके ओके, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है ना, इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमें सबसे पहले ये वाला टॉपिक कवर करना, फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन देखेंगे, है ना? तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या कुछ डाउट्स है आप लोगों को, या मैं सिर्फ रिविजन कराना स्टार्ट कर दूं? सर रिविजन करा दो। ओके देखो, स्टार्ट करें। यस सर, ठीक है। देखो सबसे पहले प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट है वो कैरी करता है, क्या कैरी करता है, फ्लावर, है ना? तो अगर एक प्लांट को मैं देखूंगा, अगर मैं एक प्लांट की बात कर रहा हूँ, प्लांट कौन सा है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। अगर मैं एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डायग्राम बनाता हूँ तो मे बी कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना? कुछ इस टाइप का होता है, होता ही नहीं होता नलाई को? यस सर। क्या क्या होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर? बिलो द ग्राउंड वाला रूट सिस्टम, ठीक है। तो जो शूट वाला सिस्टम होता है वो हमेशा एरियल पार्ट में होता है ना, एरियली प्रेजेंट होता है ना, और ये अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, ठीक है। और जो फ्लावरिंग हो रही है नोड से हो रही है, ये नोड हो गया, और ये दो नोड के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इंटरनोड, ठीक है। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन देख रहा हूँ फ्लावर्स के अंदर, तो फ्लावर्स की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे फ्लावर है। मैं एक फ्लावर की अगर बात करूंगा, फ्लावर किसकी मॉडिफिकेशन है? क्या
किसकी मॉडिफिकेशन है फ्लावर? बर्ड्स। किसकी मॉडिफिकेशन है फ्लावर? किसकी मॉडिफिकेशन है? बर्ड्स। किसकी? किसकी मॉडिफिकेशन है सर? शूट। बिल्कुल, तो फ्लावर मॉडिफिकेशन इसका शूट का, तो मॉडिफिकेशन ऑफ शूट की मॉडिफिकेशन है फ्लावर। तो फ्लावर क्या चीज सर? छोटी था तुम्हें? समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सर। शूट के थे मॉडिफिकेशन है? हाँ, शूट का ही मॉडिफिकेशन है फ्लावर। ठीक है, तो मैंने तुक्का लगाया था। ना, शूट का ही मॉडिफिकेशन है। ये लिखवाया भी सर मैंने आप लोगों को। ये सर हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट है ना, तो ये शूट का ही मॉडिफिकेशन है ना। तो अगर मैं एक फ्लावर की अगर मैं बात करूंगा, तो ये शूट की मॉडिफिकेशन है। तो फ्लावर की अगर मैं एक बात करता हूँ फ्लावर में, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, यस सर। ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं सर? पिस्टिल और कार्पेल। स्टैमेन सर, क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सर। स्टाइल बोल, फीमेल। यस सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, गायनोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज गायनोशियम। गायनोशियम, जो गायनोशियम होता है उसकी यूनिट क्या होती है? पिस्टिल। पिस्टिल कार्पल। पिस्टिल कार्पल, पिस्टिल होती है या फिर कार्पल। ठीक है, अब जो पिस्टिल होती है या फिर कार्पल होती है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल और ओव्यूल। स्टिग्मा स्टाइल और ओव्यूल, स्टाइल एंड ओव्री, ओव्यूल, ओव्री। ठीक है, तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये हमारा ए है, ये बी हो गया, एंड ये क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, अगर मैं अब मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं, इस वाले की, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम पार्ट है। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। जो ये एंड्रोशियम है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। एंथर जो होता है, मे बी सिंगल लोब होता है, मे बी डबल लोब होता है ना, तो ये मे बी वन लोब का होगा या मे बी टू लोब का होगा। तो या तो मोनोलोब बोल देंगे इसको, मोनोलोब, या फिर बाइलोब, है ना। मोनोलोब को हम बोलते हैं मोनोथेकस कंडीशन।
क्या बोलते हैं इसको, मोनोजाइगस कंडीशन, थैकस कंडीशन। बाई लोब वाले को क्या बोलेंगे, बाई थैकस कंडीशन। ठीक है, जो मोनोथैकस कंडीशन होती है वो हमेशा हमें दिखाई देगी। एक फैमिली होती है मालवेसी फैमिली, किस फैमिली में होती है, मालवेसी फैमिली। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इसका, मोनोथैकस कंडीशन का। ठीक है, तो अगर मैं इसको एंथर को ए बोलूं और फिलामेंट को बी बोलूं, तो ए और बी कहां पे मुझे रिप्रेजेंट करने चाहिए। ठीक है, एंथर, एंथर ये और ये क्या है, फिलामेंट। जो मैंने रेड में बनाया, ये रेड कलर में जो मैंने बनाया, ये क्या है, पेटल्स, पेटल्स है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया, ये क्या है, सेपल, सेपल्स, ये सेपल्स। ठीक है, मैंने इन दोनों को याद करने का तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था मैंने, पी सी ओ, है ना, क्या बताया था मैंने, पी सी ओ। ठीक है, तो जो पेटल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोरोला, कोरोला, कोरोला। ठीक है, तो सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, 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 कैलिक्स बोलते हैं। सबसे इजी याद करने का तरीका यही है हमारा, है ना, ओके। यस सर, ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये इसको, ये क्या है, थैलेमस, 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 थैलेमस रिसेप्टिकल्स या फिर रिसेप्टिकल्स। ठीक है, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स, ओके। अगर मैं मेल वाले की बात करूंगी, मैं मेल एंडोशियम, मैंने आपको बताया था कि एक फ्लावर में, एक फ्लावर के अंदर, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, एक फ्लावर के अंदर फोर वोरल्स होते हैं। कितने वोरल्स होते हैं, फोर वोरल्स होते हैं। ये जो फोर वोरल्स होते हैं इनको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एसेंशियल एंड एसेसरी, एसेंशियल वाले और एसेसरी वाले। एसेंशियल के अंदर वो आते हैं जो रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, जो रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन देंगे और जो रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, और ये वाले देंगे, तो जो देता है वो एसेंशियल माना जाएगा, जो नहीं देगा वो एसेसरी माना जाएगा। तो एसेंशियल वाले कौन कौन से हुए, ठीक है, और ये वाले कौन से हुए, एप्पल्स और कैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एंड्रोशियम की बात करी है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, एंड्रोशियम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं एंड्रोशियम की अगर मैं बात करूँ, तो एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है वो मैं अभी आप लोगों ने बताई, क्या होती है, स्टैमन होती है। स्टैमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, 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 फिलामेंट। अगर मैं स्टैमन की एक स्ट्रक्चर बनाऊ, ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, yes, sir. इसको हम क्या बोलेंगे, एंथर, yes, sir. और इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट, फिलामेंट। आपको पता है कि जो एंथर होता है, ये जो मैंने बनाया है, ये कितने लोब का है, दो लोब है इसके अंदर, है ना सर, बायलोब स्ट्रक्चर, एक लोब तो ये ना बड़े वाला, yes, sir. और एक लोब ये, है ना, दो लोब हो गए इसके अंदर। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, बायलोब की है, बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है,
और बाइलॉग स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर चार थैका होते हैं, एक लोब के अंदर दो थैका होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक लोब हो गया और ये हमारा सेकंड लोब हो गया। तो इसके अंदर दो थैका, थैका का मतलब क्या होता है? थैका का मतलब क्या होता है? The layers. थैका का मतलब होता है कि लेयर्स नहीं होता, थैका का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैला लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर और एक ये, तो दूसरी तीसरी ये और चौथी ये। तो एक लोब के अंदर दो थैका होते हैं, ठीक है। तो ये थैका है हमारा, ठीक है। तो ये जो है वो कैसे स्ट्रक्चर है? टेट्रा थैकल स्ट्रक्चर है जो ये हमारी, ठीक है। अगर मैं सिंपल एक की बात करूंगा, यहां पे मैं बात करता हूं, ठीक है, एक ही की, तो फाइलों में से खाली होती है ना, मॉनोलो में भी चार होती है। हाँ बिल्कुल, देखो ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद एक और कवरिंग आती है यहाँ पे, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक है। इस सेकंड वाली कवरिंग को क्या बोलेंगे? एंडोथीशियम, ठीक है। एंडोथीशियम के बाद एक और कवरिंग आती है जिसका नाम क्या है? मिडिल लेयर, किसी और कलर से बनाते हैं इसको, ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के अंदर कौन सी होती है? और सर टेप टाइम होता है इसमें, किसमें? मिडिल लेयर के अंदर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या होगी हमारी? टेप्टम, ठीक है। टेप्टम जो होता है वो भी दो टाइप की टेप्टम होती है, दो टाइप का टेप्टम होता है हमारे पास, ठीक है। एक टेप्टम का नाम होता है एमीबॉइड, एमीबॉइड टेप्टम, और एक टेप्टम होता है सिक्रेटरी टेप्टम, ठीक है। एक होती है एमीबॉइड और सेकेंड होती है सिक्रेटरी, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस हो गई, ये एंडोथीशियम हो गया, ये मिडिल लेयर हो गया, ये टेप्टम हो गया, टेप्टम भी दो टाइप के हो गई, एक एम्बॉइड हो गई, एक सिक्रेटरी हो गई। सिक्रेटरी काम होता है कि ये कुछ सिक्रीट करती है, ठीक है, सिक्रीट केमिकल्स, ठीक है। और जो एमिबॉइड टेप्टम होती है ये क्या करती है? ये मूवेबल टेप्टम होती है, मूवेबल टेप्टम होती है जो नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड कराएगी, नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। एमिबॉइड वाली होता क्या, मैंने आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स, यहाँ पे अंदर के साइड, इन सेल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। उससे पहले हम एक नाम देते थे इसको, क्या देते थे? स्पोरोजेनस टिश्यू, ये हमारे क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है। यही जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं इनके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के बाद ये क्या बनाते हैं? हेलो सर, जी सर, डाउट था मेरे सर, आप सर ये रिवीजन क्लास बोर्ड के लिए चल रही है सर, वे तो टॉपिक बोर्ड में है नहीं? नहीं है बोर्ड में, क्यों नहीं है सर? ये टॉपिक तो है लेकिन सर अभी इतना डिटेल में नहीं है बोर्ड में सर, मतलब बायोलॉजी में चैप्टर रिप्रोडक्शन में जब टॉपिक करा रहे हैं। तो आपको कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे सर, पर्टिकुलर रिवीजन ही करा रहा हूं आप लोगों की सर, बोर्ड के अकॉर्डिंग रिवीजन होती तो सर सही रहता। तो यही तो रिकॉर्डिंग, ये रिवीजन तो चल रही है सर, इतना डिटेल में नहीं है सर, मैं कह रहा हूं सर मतलब डिटेल में इतना है नहीं बोर्ड में। तो फिर आप अपना डाउट पूछना मुझसे,
आप डाउट पूछो फिर मुझसे। सर यही था सर, ये पूछना था कि मतलब बोर्ड की रिविजन चल रही है अभी तो। अच्छा आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है इस टॉपिक के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर? सर डाउट तो सर मुझे आन रहा है सर, मतलब सर मुझे सिर्फ रिवीजन था सर मतलब बोर्ड का। बेटा तो सर ये अभी फ्लावरिंग का रिवीजन चल रही है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोलिनेशन की, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर आगे फिर एक एक स्टेप भी तो बढ़ेंगे आगे। सर वो तो आप सही कह रहे हो, लेकिन सर बट डिटेल में दिन रखा ना एनसीईआरटी में। अच्छा फिर क्या दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर? सर जो बोर्ड में आएगा सर अभी तो वही पढ़ना है। तो वही तो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कुछ तो आप पढ़ोगे ना उसके अलावा, ठीक है सर? आगे बोर्ड के अंदर क्या आ सकता है आपके, जैसे इस ओरिजिनल टिश्यू है ठीक है, इससे माइटोसिस हुई, इसने क्या बनाया, स्पोर ठीक है, क्या बनाया, स्पोर मदर सेल, एसएमसी जिसे बोलते हैं, या फिर पोलन मदर सेल, पीएमसी ठीक है। और पीएमसी के अंदर क्या होता है, म्यूसिस होती है। यस सर। तो ये क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बिल्कुल माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। जो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है, आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो है नहीं। नो सर। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर थ्रू मियोसिस है ना? यस सर। भाई माइक्रोस्पोर का बनना मियोसिस के थ्रू है ना, फ्रॉम कहां से, स्पोर मदर सेल से, ठीक है। इसके अलावा कोई टॉपिक हो तो आप बताओ मुझे जिसमें आपको डाउट्स वगैरह पूछने हैं। नो सर, रिवीजन के थ्रू भी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो ये तो मैं वही करा रहा हूं जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। यस सर सही है। यस सर ठीक है। यस सर। तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो फिर बाद में जाके क्या बनाते हैं, टेट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। बिल्कुल, ये टेट्रा स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्रा स्ट्रक्चर होती है ठीक है ऑफ पोलन ग्रेन। अब जो पोलन ग्रेन होता है ये कुछ इस टाइप से टेट्रा स्ट्रक्चर बना लेगा, और ये अरेंज होते हैं कुछ इस टाइप से है ना। इसकी जो दो सेल है वो पीछे की सेल प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये दो सेल जो हमें दिखाई दे रही है, ये कौन कौन सी सेल है, ये कौन सी है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल, और ये वाली जनरेटिव सेल होती है। जो जनरेटिव सेल होती है, वैसे तो 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव होती है, ये इसी फेज में रिलीज हो जाता है एंथर से। सर हाँ जी, समझ से याद नहीं पाता, मतलब ऊपर कौन सी सेल है, नीचे कौन सी सेल है, समझ से याद नहीं पाता। ये वेजिटेटिव सेल होती है लार्ज सेल, लार्ज सेल, लार्ज सेल जहां भी बनाओगे आपको बड़ी बनानी पड़ेगी दूसरे के कंपैरिजन में है ना। और जनरेटिव सेल होती है स्मॉल सेल। सर लेकिन सर याद नहीं हो पा रहा सर, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है सर, ये दिक्कत हो रही है। तो ये मैंने बड़ा तो बना रखा ना, तो मैंने शो कर रखा आपको, और हर डायग्राम के अंदर ये दोनों चीज शो होती है अलग अलग, वेजिटेटिव भी और जनरेटिव सेल भी ठीक है। सर लेकिन सर याद रखना है, मैं सर कैसे करें? हाँ मैं याद रखने में बताता हूँ। जो जनरेटिव सेल होती है वो हमेशा मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, मेल गैमेट बनाएगी आगे जाके ठीक है। और वेजिटेटिव सेल क्या का काम क्या होता है, नरिशमेंट गाइड करती है, गाइड प्लस नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। बड़ी सेल है ठीक है, बड़ी सेल होगी तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा फूड स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद होगा, तो ये इसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराता जाएगा जब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, ये मेल गैमेट ठीक है सर। हाँ सर, इसे गाइड कैसे करेगा? मैं बताता हूँ आपको गाइड कैसे करेगा, अभी इतना समझ में है जितना ये पूछ रहा है। यस सर। देखो 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ये दो सेल के स्टेज में ये रिलीज हो जाता है यहाँ से ठीक है, और जो 40% एंजियोस्पर्म प्लांट्स है
जेनरेटिव सेल के अंदर दोबारा से माइटोसिस हो जाता है और ये टू मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर देता है। फाइनली हमें टू मेल गैमेट तो बनाने ही बनाने हैं, चाहे वो दो सेल की स्टेज में रिलीज हो चाहे तीन सेल बना के रिलीज हो, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पोलन ग्रेन बनके तैयार हुआ है, ये बनके हमारे पोलन ग्रेन तैयार हुआ है, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन है ये मे बी टू सेल स्टेज के होंगे या मे बी थ्री सेल स्टेज के होंगे, ठीक है। चाहे वो दो सेल की स्टेज में रिलीज हो जाए चाहे तीन सेल की स्टेज में रिलीज हो, अगर दो सेल की स्टेज में रिलीज होंगे तो इट्स मे बी वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, सिर्फ दो ही होंगे। अगर तीन सेल की स्टेज में रिलीज हो रहे हैं तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल प्लस टू मेल गैमेट, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। अभी क्या है कि ये रिलीज हो गया यहाँ से एंथर से। ये रिलीज कैसे होता है कि आपको पता है कि एंडोथीशियम की जो लेयरिंग होती है यहाँ पे बीच में, ये जो रीजन है, ठीक है, एंडोथीशियम के अंदर कैलोस बैंड होता है, कैलोस बैंड प्रेजेंट होता है एंडोथीशियम के अंदर। कौन सा बैंड होता है? कैलोस बैंड जो होता है वो एक्चुअली में ये एक डेड बैंड होता है, डेड बैंड, ठीक है, मतलब डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, बीच वाला जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे ये कैलोस बैंड या फिर डेड बैंड ये एब्सेंट होता है, ठीक है। ये एब्सेंट होगा तो यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो सेल स्वेल करेंगी और इतनी करेंगी कि ये यहाँ से फट जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा ये बाकी जो लेयर होती है मिडिल लेयर, ये लेयर, वो लेयर, जितनी भी लेयर है ये सारे के सारे डीजनरेट कर जाएगी और फिर इसके थ्रू एंडोथीशियम के अंदर जहां पर ब्रेक डाउन हुआ इसके थ्रू ये पोलन ग्रेन यहां से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। रिलीज होने के बाद ये पहुंचते हैं फीमेल के पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंचते हैं। तो जैसे ही मेल से फीमेल के पास पहुंचेंगे इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोलिनेशन भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन एंड क्रॉस, ठीक है। सेल्फ वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वाले भी को हम क्या बोलते हैं? ओके, वो टाइप का नाम है सर, ऑटोगैमी और जीटेनोगैमी। ऑटोगैमी है, जीटेनोगैमी ना, ओटोगैमी और जीटेनोगैमी भी होती है। ऑटोगैमी पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। और जीटेनोगैमी, ठीक है, तो सिंपल है। जैसे फीमेल के पास पहुंचा तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कुछ इस टाइप का होता था। एक्सक्यूज मी सर। हां जी सर, आपने कहा कि जो पोलन ग्रेन का रिलीज है सर वो वाटर इनपुट की वजह से होगा और ब्रश होकर निकल आएगा, पर सर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है वहाँ पे सर वाटर की वजह से ब्रश हो नहीं पाएगा और पोल्यूशन? नहीं नहीं, वाटर तो मिलेगा ना इनको भाई, वाटर तो इनको प्लांट देगा। ओके सर, मतलब वो रूट्स के थ्रू आएगा? हाँ बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, वाटर तो उनको प्लांट देगा ना। देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर होती है ऐसे, एंथर होता है हमारा, है ना, तो एंथर की जो ये फिलामेंट होती है, ये फिलामेंट के अंदर क्या होता है, ये वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इसके अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम का काम करेंगे। यस सर। भाई इनको भी तो फूड चाहिए, इनको भी तो वाटर चाहिए ना। ओके सर, ठीक है सर, मैंने समझ लिया कि वो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर आएगा एटमॉस्फेयर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ऐसे नहीं। देखो ये तीन पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपको पता है यहाँ पे ओव्यूल होता है हमारा, है ना, ये प्लासेंटेशन हो गई, ये फ्यूनिकल हो गया और ये हमारा ओव्यूल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओव्यूल है,
तीन सेल ऊपर की साइड होती है, तीन सेल नीचे की साइड होती है और सेंटर में दो न्यूक्लियस होते हैं, है ना, ऐसे होता है। Yes, sir. जब ये yes, नहीं sir. था yes, जब ये वाला स्ट्रक्चर नहीं था तो क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर थी कुछ इस तरीके से, बना देता हूँ आपको, ये हमारा ओवरी हुई और ये हमारे इंटरगमेंट सेल्स हो गए, इंटरगमेंट लेयर्स, है ना। और सेंटर में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं सेल्स को, न्यू सेलर सेल, बिल्कुल न्यू सेलर सेल्स। अब इन न्यू सेलर सेल्स के अंदर बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन होते हैं, मियोसिस भी होते हैं, माइटोसिस भी होते हैं, और ये सेवन सेल एंड एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बताने की जरूरत नहीं है, नो सर लिखवाया था आपने, तो लिखवा रखा है। सेवन सेल एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाती है और कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है कि तीन सेल अपर ऊपर की साइड होते हैं, दो सेल नीचे, एक सेल यहाँ पे एंड दो सेंटर पे न्यूक्लियस होते हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं और इनको हम एंटीपोलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, yes, sir. ये दो सिनर्जिक सेल होती है, सिनर्जिक सेल, yes, sir. And एक्सेल, और ये हमारा एक्सेल होता है। होता क्या है कि जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करेगा, यहाँ पे लैंड करेगा, तो अब क्या होगा कि पोलन ग्रेन और स्टिमा के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, केमिकल का सिक्रीशन होगा दोनों में, ठीक है, सिक्रीशन के पास ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मेरी ही स्पीसीज का मेल गैमेट है या नहीं है, ठीक है, जैसे ये पता लग जाए कि मेरी स्पीसीज का मेल गैमेट है, तो अब इसके बाद होता क्या है कि ये पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाना यहाँ पे स्टार्ट करेगा, यहाँ पे। अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, पोलन ट्यूब के अंदर होता क्या है कि सबसे आगे चलता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और पीछे चलते हैं इसके दो मेल गैमेट, ये है टू मेल गैमेट और ये आगे आगे चल रहा है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। जैसे ही ये लोग, मतलब ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है और दो मेल गैमेट है, जैसे यहां पहुंचते हैं यहां पे, तो आगे जो चल रहा है वो हमारा है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे और पीछे दो मेल गैमेट। अब जैसे ही यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, यहां पे पहुंचेगा, तो आगे हमारा न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, सेल न्यूक्लियस, तो अब क्या है कि ये सबसे पहले इस वाले सिनर्जिक सेल से फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज करने के बाद ये जो सिनर्जिक सेल है ये डिग्रेड हो जाएगी, है ना, डिग्रेड हो जाती है, yes, पीछे दो मेल गैमेट है वो आएंगे और एक फ्यूज कर जाएगा एक्स सेल के साथ और दूसरा फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियस के साथ। पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करने से पहले होता क्या है कि ये आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, ये आपस में ही पहले फ्यूज कर जाते हैं और ये बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या करता है, एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा और ये बना लेगा क्या, और जो पहले वाला मेल गैमेट था और एक्स सेल के साथ फ्यूज करेगा तो वन एक्स सेल प्लस वन मेल गैमेट जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट टू, जाइगोट टू एन। ठीक है, इस वाले फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इस वाले को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दोनों एक साथ हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है। हेलो हाँ जी जी बोलो सर। मेगा स्पोरोजेनेसिस सर ये टॉपिक सर 12th का है सर। वैसे क्या चीज आपने कहा था ना सर अभी क्वेश्चन आ सकते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस सर, लेकिन ये टॉपिक तो 12th का है सर, 10th में कैसे आ जाएगा अभी? टॉपिक का मतलब है जैसे ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपका कि माइक्रो जो हमारे स्पोरोजेनिक टिश्यू होते हैं वो माइक्रोस्पोर बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ठीक है। तो आपको इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ना पूछते इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है वो आपसे ठीक है। तो हमें जो हमने पढ़ाया है जो हमने पढ़ा है ठीक है वो नेचुरली हम वो सिर्फ पढ़ते हुए जा रहे हैं। आपसे कोई क्वेश्चन इसमें इसमें से कोई मिस भी नहीं होगा आपका ठीक है। अगर आप जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है या फिर जो हमारे एक्टिविटी जो हमारी है अगर आप उसको देखोगे ठीक है, आप उसको क्वेश्चन देखो, आपसे कोई क्वेश्चन मिस होगा? होता है कोई? नो सर। नो सर। देखो ना एक्टिविटी को देखो, आप एक्सरसाइज को देखो, प्लांट वाला जो पोर्शन है हमारा, फ्लावरिंग वाला जो पोर्शन है हमारा, उससे कोई क्वेश्चन है जो आपसे ना होता हो? नो सर। नो सर। एनसीईआरटी को लो चलो अपने सर, ये हल्का हल्का डिमांड सही है सर, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन दिए थे ना सर एक्सपेरिमेंट्स के, उनके अंदर थोड़े से जो आपने पढ़ाया एडवांस टॉपिक्स उनका यूजेस था, इसलिए सर भाई सिंपल सी बात है कि थोड़ा बहुत तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा ना। यस सर। जो मैंने पढ़ा रखा है वो वेस्ट थोड़ा ना है, ये वो सिर्फ वो एक एग्जाम के लिए थोड़ा ना है, ये सिर्फ लाइफ टाइम है वो। तो फिर सर जैसे आगे जाके बायोलॉजी नहीं सर उसके लिए तो कोई काम का नहीं है यार। काम का क्यों नहीं है आपको? अभी तो काम का है ना आपका, जो जो वन मार्क क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो ऐसे तो होते हैं, जो वन मार्क से क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, वो ऐसे तो आते हैं ठीक है। ठीक है आप एक काम करो, आप एनसीईआरटी खोलो और जो प्लांट वाला पोर्शन हमारा उसको देखो आप पहले। यस सर। है ना? यस सर। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। ये ना आपका? यस सर। देखो सर नीचे को है? नहीं सर नीचे देख लेते ना एक बार। देखो मैंने आपको बताया था कि जो देखो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या एक्चुअली में सर? प्रोडक्शन ऑफ यंग वन फ्रॉम प्रीएक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल ये कितने टाइप के होते हैं? सर टू टाइप्स, सेक्सुअल एसेक्सुअल। सेक्सुअल ठीक है। अब एसेक्सुअल कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, मतलब किस टाइप का होता है? सर ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है सर, नो फर्टिलाइजेशन, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। अगर इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछे आप बता दोगे? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें कि भाई डिफरेंस वगैरह पूछ ले जाए, दो नंबर में हो चाहे तीन नंबर में हो? नो सर। है ना ये तो बता सकते हो आप लोग। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर कितने मतलब आते हैं टाइप्स? सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सर फाइव टाइप है। कौन कौन से? सर बर्डिंग, फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन। जैसे फिशन हो गया है ना? यस सर। और सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बर्डिंग हो गया ठीक है। तो अगर मैं फिशन की बात करूं, फिशन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल है तो कैसे होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। टू बी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सर स्प्लिट हो जाती है टू और मोर डॉटर न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर बॉडी उनकी डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल। क्या डिवाइड होता है सर? न्यूक्लियस। सर पहले न्यूक्लियस होता है फिर बॉडी साइटोप्लाज्म। ओके। दो टाइप्स के सर, बाइनरी फिजन और सर मल्टीपल फिजन। बाइनरी में सर एक ऑर्गेनिज्म के दो टाइप, दो देखो फिशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक पार्ट दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है ऐसा, डिवीजन डिवीजन बोलते हैं फिशन को। जो फिशन होता है दो टाइप होता है, बाइनरी भी होता है और मल्टीपल फिशन भी होता है ना? यस सर। यस। और तीसरे टाइप का भी होता है, तीसरे टाइप कौन बताया तुमने? प्लाज्मोटोमाइसेशन। ये सर प्लाज्मोटोमाइसेशन। ठीक है प्लाज्मोटोम, ये तो एक्स्ट्रा, चलो प्लाज्मोटोम ठीक है। तो जो बाइनरी फिशन होता है वो भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे ऑब्लिक सर पहले इरेगुलर।
Transverse longitudinal oblique. Transverse longitudinal oblique and simple binary fission, है ना? ठीक है, जो सिंपल वाला है उसका एग्जांपल जैसे अमीबा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वाले का एग्जांपल यूग्लिना हो गया, ट्रांसवर्स कौन शो करता है? पैरामीडियम हो गया, पैरामीडियम ठीक है, और ऑब्लिक कौन शो करता है? सेरेटियम, हाँ सेरेटियम हो गया ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं ठीक है, इसमें देखो कोई प्रॉब्लम है फिशन वाले में। बीजियम किसमें आए हैं? किस कौन सा है? आवाज कट रही है आपकी सर, जो काला असर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ सर? वो लेशमैनिया की बात कर रहा है जो काला असर कॉज करता है। तो लेशमैनिया तो उसके अंदर है ना, प्रोटोजोन्स के अंदर। यस सर, है ना? ये मल्टीपल मल्टीपल फिशन शो करेगा वो। नो सर, आई थिंक वो बाइनरी में आते हैं। और आई थिंक मेरे को वो क्वेश्चन था कि, हाँ बोलो बोलो सर, तो उसका वो किस टाइप से ट्रांसवर्स था? आई थिंक सर वो बाइनरी में था, क्योंकि लखमीर सिंह में वो ही था बाइनरी। किस में? लीशमैनिया। अच्छा, काला अजहर की बात करो क्या? मेल है लेस में ले गई। ओके ओके ओके, मुझे लगा प्लाज्मोडियम वगैरह की अभी की बात कर रही हूं। कोई नहीं ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो टिपिकली है, मतलब प्रोटोजोन के अंदर आते हैं, जो वो तो अलग टॉपिक हो गया हमारा। नो सर, उनकी फिशन किस टाइप की होती है? बाइनरी में, मतलब किस टाइप से? ट्रांसवर्स ऑब्लिक की पूछो सर। ऑब्लिक होती है क्योंकि सर सेरेशियम भी प्रोटोजोआ है, तो उसकी भी ऑब्लिक होती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऑब्लिक होगी या फिर लॉन्गिट्यूडनल होगी ठीक है। तो जो ये लेशमैनिया वाले होते हैं, ये जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये तो करते तो फिशन के थ्रू ही है ठीक है। कोई स्पेसिफिक तरीके ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक तरीके से हम बता पाएंगे कि भाई ये मतलब लॉन्गिट्यूडनल है या वैसे है, समझ रहे हो? यस सर, यस सर ठीक है। इसमें सिंपल वे से डिवीजन चलती है ठीक है। वैसे मोस्टली जो भी पॉजिटिव एजेंट्स जो होते हैं वो हमेशा मल्टीपल फिशन ही शो करते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा वो अपने ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं एक टाइम पे। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फिलामेंट्स। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? सर फिलामेंट्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फिलामेंट्स, स्प्लिटिंग ऑफ फिलामेंट। हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका एग्जांपल सर पायरोगैरा ब्लू ग्रीन और सर फंजाई। फंजाई भी होती है ओके। और इसके अंदर बस इतना ही है फ्रेगमेंटेशन के अंदर, है ना? इसके ऊपर कुछ टॉपिक आ जाए कुछ बता दोगे ना आप लोग? यस सर, यस यस सर। प्रेजेंटेशन सर हाइड्रोएंजिनेरिया क्या चीज? प्रेजेंटेशन में हाइड्रोएंजिनेरिया सर फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट एंड ब्रोकन पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं सर? टू टाइप्स के होते हैं सर, एपिमॉर्फोसिस और एपिमॉर्फोसिस कैसा होता है सर? रीजनरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल लिजार्ड एंड स्टारफिश। एंड दूसरे वाला दूसरे वाले में सर पूरा ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल सब प्लैनेरिया हाइड्रा। प्लैनेरिया हाइड्रा, प्लैनेरिया हाइड्रा ओके। बड़ी
a new organism develop from a bird growing outside the body. हाइड्रा बिल्कुल बिल्कुल वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम रूट या फिर लीव्स डेवलपिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग आर्टिफिशियल मेथड्स प्लांट फ्रॉम अ न्यू ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप फ्रॉम स्टेम रूट्स और लीव्स आर्टिफिशियली ठीक है तो जो ब्रायोफाइलम का हमने एग्जांपल लिया जिसमें बट सबने बताए थे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है ठीक है तो वेजिटेटिव इज अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए है ना यस सर यस सर स्पोर फॉर्मेशन सर डेवलपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्पोर्स कौन कौन से स्पोर्स मैंने बताए थे आप लोगों को जूस्पोर और कोनिडिया ओके जूस्पोर किसके अंदर आते हैं सर जो मोटाइल होते हैं सर वो जूस्पोर होते हैं और जो नॉन मोटाइल होते हैं सर वो कोनिडिया होते हैं ठीक है तो किस किस के अंदर आते हैं जूस्पोर किसके अंदर आते हैं सर एग्जांपल एल्गी ओके और फंजाई के अंदर भी आते हैं यस एल्बुगो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ओके देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनको देखो पहले वाला क्वेश्चन में कोई डाउट है नो सर नो सर नो सर सेकंड वाले का नो सर नो सर नो सर थर्ड वाले में नो सर नो फोर्थ में सर एक बार फिफ्थ बता देना Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? देखो होता क्या है कि जैसे मैं ह्यूमन की बात करी ह्यूमन की बात इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको तो इजिली आप लोग सोच पाओगे कि जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं ठीक है क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम्स ठीक है तो ड्यूरिंग द जब एक सेल जैसे टू इन सेल है हमारी ठीक है 46 क्रोमोसोम वाली सेल्स है उसके अंदर जब डिवीजन चलता है जैसे ही मतलब डिवीजन करके आपको पता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं है ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पढ़ते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पढ़ते हैं लोग पढ़ते नहीं पढ़ते हैं यस सर यस सर ठीक है उससे क्या बनता है स्पर्मेटिड बनते हैं स्पर्मेटिड के तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं तो जब वो टू इन स्ट्रक्चर से एन टाइप की स्ट्रक्चर बनती है वहां पे तो जो डीएनए में जो कॉपी होती है उस समय मतलब कि जैसे डीएनए में रेप्लिकेशन होता है ना यस सर ठीक है तो हाँ ऐसे प्रोटीन बनते हैं मतलब बॉडी के अंदर डीएनए बनाते हैं प्रोटीन्स हाँ मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारा वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है कि जैसे यहाँ पे कॉपिंग होती है मतलब एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है उसके बाद जब वो सेल अलग हो जाती है मतलब कि 2n सेल से n सेल की फॉर्मेशन होती है दो सेल की फॉर्मेशन होती है nn टाइप की सेल की फॉर्मेशन होती है और वो जाके एक n टाइप के एग के साथ जब फ्यूजन होता है तो दोबारा से वो चीज दोबारा से रीगेन हो जाती है मतलब 2n स्ट्रक्चर जो होता है हमें दोबारा से मिल जाता है ना तो उससे पहले क्या होता है कि इसमें क्या होता है वाई डीएनए कॉपी एन एसेंशियल पार्ट होता है इन रिप्रोडक्शन बिकॉज इट ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल इट्स हेरिटेड द information from the one generation to the other generation ठीक है okay sir yes sir तो DNA copy एक DNA का DNA में breaking down क्या चीज sir DNA copy यानी एक DNA का DNA में breakdown देखो जब जैसे ही उसकी copy होगी तभी तो वो अगली generation का मतलब तभी तो वो gamete में जाएगा ना दूसरे वाले gametes में है ना yes sir ठीक है देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जो हमने अभी पढ़ लिया है मोस्टली मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हां सर फोर्थ वाले में देखिए सर फोर्थ वाले में
इसमें पूछा है कि कैसे मतलब कि सेम टाइम का प्लांट्स को आप ग्रो करवा सकते हो, है ना? जैसे आपने अभी पढ़ा है ब्रायोफाइलम के अंदर, ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, बडिंग होती है ना, बड्स निकलते हैं छोटे छोटे से, यस सर, है ना? तो वो बड्स जो होंगे वो दोबारा से एक नया प्लांट्स बना सकते हैं, बना सकते नहीं बना सकते, यस सर बना लेंगे, ठीक है? वो सेम टाइप का कॉपी तो प्लांट होगा, उसके अंदर कोई मतलब फर्क तो होगा नहीं जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, ठीक है? ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप बता सकते हो, समझा सकते हो, ओके सर, ठीक है? अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, ये मैंने बहुत अच्छी तरह आप लोगों को बताया, ठीक है? सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी भी है, ठीक है? देखो ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे शो कर रहा है आपको, है ना? तीन सेल ऊपर है, तीन सेल नीचे, दो सेल बीच में, मतलब दो न्यूक्लियस बीच में, ओके? देखो थोड़ा सा पार्ट रह गया यहाँ पे, थोड़ा सा पार्ट रह गया, थोड़ा सा पार्ट कौन सा रह गया कि अब क्या होगा, जो ये जाइगोट बना है हमारा यहाँ पे, जो जाइगोट बना है, जो हमारा अब ये जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, है ना? एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो क्या बनाता है आगे जाके, सीड की फॉर्मेशन करता है, है ना? होता क्या है, जो मतलब कहने का मतलब है, जो हमारा ओवरी है वो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, और जो हमारा ओव्यूल है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है ना, सीड बनाता है, ठीक है? और सीड के अंदर क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो होता है, तो कहने का मतलब ये था कि एम्ब्रियो कहाँ पे होगा, हमारा सीड के अंदर होगा, है ना? तो सीड के अंदर हमारा क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, और सीड कहाँ पे होगा, फ्रूट के अंदर होगा, यस सर, यस सर। जो ये एम्ब्रियो होगा, ये एम्ब्रियो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो मोनोकोट के अलग होगा, डाइकोट्स के अलग होते हैं, मोनोकोट्स बहुत सिंपल होते हैं इस टाइप के, ठीक है? और डाइकोट्स वाले कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है? जो हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? देखो ये वाला क्या हमारा डाइकोट वाला एम्ब्रियो, ठीक है? देखो ये डाइकोट वाला एम्ब्रियो, इसको खोल दिया है, इसको इधर से खोल दिया, इसको इधर से खोल दिया, तो ऐसे दिखाई दे रहा हमको, ठीक है? मैंने आपको बताया था इस वाले पार्ट को प्लूमूल बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल। प्लूमूल क्या बनाता है, शूट बनाता है, रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, ठीक है? मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रूट, बट जर्मिनेशन होगा, देन न्यू प्लांट्स विल फॉर्म, ठीक है? देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर देख लेते हैं, पहले यहाँ पे आप देख लो एक बार, इतना पार्ट को कुछ प्लांट वाले पार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या आंसर होगा सर, ईस्ट, सर ईस्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री ईस्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री सर वास डिफरेंस, पोलन ग्रेन्स, सेकंड का वास डिफरेंस, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। अच्छा सेकंड वाले का मैं आंसर बता रहा हूँ क्या आपको, विच ऑफ द पोलन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, इन ह्यूमन बीइंग्स, एडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं सर, वेरिएशन सर, वेरिएशन सर, वेरिएशन बिल्कुल, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ Evolution. Evolution.
ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन द ह्यूमन बीइंग्स, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. Maintaining the uterus for the implantation. बिल्कुल, ये भी लिख सकते हो आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हो. सेवंथ में फ्लावर का डायग्राम बना लोगे. यस सर, एट्थ में कॉन्ट्रासेप्शन डिफरेंट टाइप्स के, कौन कौन से, केमिकल मेथड सर, फिजिकल बैरियर्स और सर मतलब केमिकल मेथड. इंटरप्शन जो जो मैंने लिखवाया नोट्स है ना आपके पास. यस सर, कॉपर्टी ये तो इसी के अंदर आ गया ना. थर्ड डिवाइस बताओ. कंडोम एंड स्पर्मेसाइट. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन लिख सकते हो मेथड्स डिफरेंट टाइप्स के. यस सर. यस सर. ठीक है. और नाइन में क्या, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफर डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बताओ भाई. यूनिसेलुलर में सर एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इस पे ज्यादातर इन फेवरेबल कंडीशंस होते हैं सर. मल्टीसेलुलर में सर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड इन यूनिसेलुलर एंड टू पेरेंट्स इन्वॉल्वड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या मल्टीसेलुलर में एसेक्सुअल नहीं होता क्या सर? होता है रोज में सर, होता है सर. अब इसमें बताना है कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंट है सर, क्योंकि यूनिसेल में वन पेरेंट इन्वॉल्व, ये ऑप्शन, ये वाला, ये पॉइंट आप लिख सकते हो. और सर सर ने आपके रिप्रोडक्शन डिफाइन, यूनिसेलर में कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है. सिंपल वे से रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब सिंपल वे से सेल की डिवीजन के थ्रू करेगा, है ना. सेल की डिवीजन वो कैसे भी हो सकती है, किसी भी वे में हो सकती है, उसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करेगा. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मे फॉर्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है. मेल वाला पार्ट मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल वाला पार्ट फीमेल गैमेट बनाएगा, ठीक है. यहाँ पे वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होते, क्लोन्स बनाते हैं. यहाँ पे वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं सर. हाँ सर, यूनिसेलुलर में फिर हम एक एक्सेप्शन भी ले सकते हैं कि जो बैक्टीरियल कोगुलेशन होता है, दो बैक्टीरिया फिर एक बैक्टीरिया बनाते हैं बैक्टीरियल कोगुलेशन फाइलस से. क्या चीज, क्या बोल रहे हो सर? जो बैक्टीरियल कंजुगेशन होता है, दो बैक्टीरिया फाइलस के थ्रू मिलकर जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं और फिर एक नया बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं. इसमें तो देखो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. एक्चुअली में टू टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, ठीक है. किसके थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है. होता क्या कि वो ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं. एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप मेल और फीमेल की बात करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, मेल फीमेल की बात नहीं करते. यहाँ पे हम स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है. एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेन होता है, ठीक है.
पॉजिटिव वाले को मतलब हाई फ्रिक्वेंसी स्ट्रेन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये मतलब नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला को हम एक डिफरेंट स्ट्रेन समझते हैं, और मतलब डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया समझते हैं, अपोजिट टाइप का मतलब, ठीक है, मे बी फीमेल मान लो, ठीक है। देखो होता क्या है, तो यहाँ पर आप स्ट्रेनिंग देखो ग्राम स्ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, बैक्टीरिया की बात करो ना। यस सर, यस सर, ठीक है। तो बैक्टीरिया में होता क्या है, प्रोकैरियोटिक है, जो रिप्रोडक्शन होगा वो दो टाइप से हो सकते हैं यहाँ पे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल थ्रू द बाइनरी फिशन, और सेक्सुअल जो होता है वो ट्रू टाइप का नहीं होता है, ट्रू नहीं होता। फिर होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो बैक्टीरिया होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब जो रिप्रोडक्शन करेंगे आपस में, ठीक है। मान लेते हैं कि एक को मेल बोल रहे हैं या एक को फीमेल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मेल फीमेल ना बोल के हम यहाँ पे ये बोलते हैं HF पॉजिटिव या HF नेगेटिव, ठीक है। तो जो HF पॉजिटिव है तो इसका पूरी फॉर्म होती है हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये स्ट्रेन होते हैं, हम स्ट्रेन बोलते हैं यहाँ पे, ये एक अपोजिट स्ट्रेन है और ये एक अपोजिट स्ट्रेन है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये डिफरेंट टाइप्स का बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये प्लाज्मिड है इसका, ये भी प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये भी प्लाज्मिड है। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, हेलो, मैं क्लास में गया, मैं बात मत करो जैसे, बता उससे आशीष से बात कर ले, मुझे याद है उससे बात अच्छे, मेरे पे नहीं है, मैं तो फोन करता हूँ, मैं कल बताऊँ, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे क्या होता है कि प्लाज्मिड है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे तो एक ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। जो प्लाज्मिड होता है वो हमारा, ये हमारा एक्ट एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, नहीं वो तो राइबोसोम होता है, तो यहाँ से जेनेटिक मटेरियल को अपने ट्रांसफर करेंगे, और वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के बाद में टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, पूरा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता, अ पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से ये जेनेटिक मटेरियल आगे गया, ठीक है, इस वाले में, एंड देन यहाँ पे कॉपिंग होके आगे का प्रोसेस चला, रेप्लिकेशन चला, फिर ट्रांसलेशन चला होगा, फिर आगे का प्रोसेस चला होगा, फिर जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर जाके न्यू बैक्टीरिया की फॉर्मेशन होती है, इस टाइप से करते हैं कॉन्जुगेशन टाइप में, ठीक है। एच एफ है
ये स्टेनिंग के स्टेनिंग कौन सी कैसे होती है? ग्राम स्टेनिंग है स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग तो अलग चीज होती है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बैक्टीरिया के अंदर मेल फीमेल नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर हम स्टेन की बात करते हैं कि ये एक अपोजिट स्ट्रेन का बैक्टीरिया या अपोजिट स्ट्रेन का बैक्टीरिया, मतलब अपोजिट सेक्स वाला ऐसे बोल सकते हैं। ओके सर। ओके सर एक बार वो स्क्रीन शो कर देना। स्टेनिंग अलग टाइप की होती है। स्टेनिंग में हम क्या देखते हैं, हम स्टेनिंग में क्या करते हैं? स्टेनिंग में तो हमको एक पर्टिकुलर डाई लेते हैं और उसको हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग में क्या करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, स्टेनिंग में हम ये चीज करते हैं। ठीक है, यस सर। इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें होती है स्टेनिंग। सर तो हम बैक्टीरिया में कैसे चेक करते हैं कि मेल बैक्टीरिया है और ये एक फीमेल बैक्टीरिया? नहीं, ऐसे नहीं चेक कर सकते हैं वैसे। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन हम बता सकते हैं कि कहां से कहां जो ट्रांसफर हो रहा डीएनए कहां से कहां हो रहा है। मतलब हमेशा डीएनए एचएफ प्लस पॉजिटिव से एचएफ नेगेटिव में ही जाए। हां बिल्कुल। और सर फिर एचएफ नेगेटिव डिवाइड हो जाएगा दो में। बिल्कुल, अच्छा पॉजिटिव वही का वही रहेगा। बिल्कुल। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन द प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज? सर ये स्पीशीज इंश्योर्स कंटिन्यूटी। ये सब एडिटिंग आ जाएगा इसमें, मेंटेन करता है जिससे कि पॉपुलेशन रहती है। यहां पे सब वेरिएशन आ जाएगा, यहां पे तो वेरिएशन का रीजन क्या है? सब वेरिएशन। चलो ये तो मुझे लगता है चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। यस सर, क्वेश्चन करते सर। यस सर, चलो ठीक है। लाइव प्रोसेसेस के ना? यस सर, टेस्ट विल। यस सर। बोलू क्वेश्चन में? नहीं नहीं, मैं एक बार देख रहा हूँ, क्वेश्चंस देख रहा हूँ। अगर नहीं मिलता तो मैं आपको बोल दूंगा। ओके सर। तो आपके दो क्वेश्चन बहुत, मतलब दो चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं, है ना? यस, जेनेटिक्स और इकोलॉजी का। जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक है सर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप करवाओगे? ये बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब आपको ये शॉर्टी मिल जाएगी, सारे हमारे हो चुके हैं। ठीक है? यस सर, क्योंकि यस सर मैं लोगों हेल्पफुल है। क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, व्हिच इज द फूड कंस्टिट्यूट दैट बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब? यस सर, ये ना, ये वाले था ना, व्हाट इज सलाइवा, है ना? यस सर। हाँ तो ठीक है, देख लेते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें? यही से क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करवाए थे मैंने आपसे? पहला क्वेश्चन बोलो जो मैंने लिखवाया था आपको। सर, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स? हाँ,
Okay, second. Sir, what is saliva state its role in the digestion of food? So, answer kya pehle wale ka? What are the final products after the digestion of the carbohydrate and protein? Yes, sir. Carbohydrate ka glucose, fructose, or galactose hai, aur protein ka amino acid. Saliva kya hai? What is saliva and state its role in the digestion of the food? Yes, sir. Saliva is fluid mucus liquid hai. Phir jo salivary gland is secreted. बहुत सारे bicarbonates और mucin contain करता है और इसका role है कि सर ये food को soft करता है जिससे कि bolus किसी भी आराम से चालू की तो नीचे जा सके. ये हमारे mouth को moist रखता है और salivary amylase होता है सर ये carbo stars को convert करता है maltose और fructose और glucose. ठीक है. फिर next question ये था the name process by which autotrophs prepare their own food है. Next, क्या था? In human alimentary canal, name the site of the complete digestion of the various component of food. Small intestine. ठीक है. Next question क्या था? What is the primary requirement for pancreatic enzyme to act? चाहे क्या होता है? Enterokinase. Sub basic medium. Alkaline medium. Okay. Next, yeah. What do you mean by the emulsification of fat? Yes, sir. If we have fat molecule ko physically, isko break down karte hain, jisse iska surface area badhta hai, aur enzyme reaction aur fast ho sakta hai aur itna. ठीक है. State the difference between the photosynthesis and respiration. एनर्जी से और रेस्पिरेशन में सर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी मिलती है और सर ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स करते हैं और सर रेस्पिरेशन ऑटोट्रॉप. सबसे पहले साइट बता दो, साइट कहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है? सर फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, रेस्पिरेशन सेल में होता है. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. ठीक है. और रेस्पिरेशन सर एल्वियोलाई ओवर द बॉडी ऑल सेल्स एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट. अगर आपसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछ जाए तो ये प्लांट के अंदर ही पूछ रहा है. ठीक है. तो प्लांट के अंदर वो सोचना है आपको. तो रेस्पिरेशन कहां पे होता है सब? ब्रेकिंग ऑफ पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. रेस्पिरेशन का मेन मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एटीपी का बनना. ठीक है. बिल्कुल ये सब पॉइंट्स आप बना सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड से. यस सर. व्हाई इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेवलप रूट प्रेशर? रिक्वायर्ड होती है जिससे कि हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज करें और फिर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं. बिल्कुल सही है रॉबर्ट. व्हिच पार्ट ऑफ द बाइल जूस इज यूजफुल इन डाइजेशन? ये दिया था मैंने. नो सर. अरे ये नहीं था. क्या था फिर? सर एक एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन था. लाइफेज सॉल्यूशन वाज एडेड टू मिल्क. After 30 minutes, the milk had become warm. What is the substrate and the end product in this reaction? Yes, sir. Same doubt. कौन सा क्वेश्चन है? क्या है क्वेश्चन? क्या था? सर क्वेश्चन था कि मिल्क में हमने लाइपेज एंजाइम डाला और फिर उसके बाद 30 मिनट के बाद बताइए क्या रिएक्शन हुआ है. ओके ओके. तो आंसर ये होगा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया मिल्क में. देखो सिंपल सी बात है कि अगर हमें लाइपेज डालेंगे मिल्क के अंदर तो होगा क्या? जो फैट होगा मिल्क के अंदर वो तोड़ देगा उसको. यस सर. भाई किस में तोड़ देगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. यस सर. यही हो सकता है और क्या हो सकता है इसके अलावा? कुछ तो कुछ और तो हो सकता है. सल्फर रिएक्शन क्या होगी? क्या चीज में तो डाउट था कि लाइपेज जो होता है सर वो तो इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करता है और सर मिल्क में तो कोई इमल्सिफाइड फैट होता ही नहीं है, तो सर ये मुझे इसमें डाउट था. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. फैट इमल्सिफिकेशन मतलब फैट के ब्रेकडाउन को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं.
ठीक है, फैट के हैं मतलब होगा तो जब फैट, हाँ जब फैट टूटेगा, जब फैट टूटेगा तो किस किस में टूटेगा, तो हम इमल्सिफिकेशन दिखाएंगे वहां पे, मतलब इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, फैट का जब ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन पूरे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में नहीं होता, वो फैटी एसिड्स में प्लस ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है, फिर ग्लिसरॉल भी बहुत माइन्यूट माइन्यूट वाले पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होते हैं आगे चल के। ओके, तो जो इसके एंड प्रोडक्ट होंगे वो फैटी एसिड होगा प्लस ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे से रिएक्शन क्या होगा सर? क्या यहाँ पे से रिएक्शन क्या होगा? देखो रिएक्टेंट तो लाइपेज हो गया ना आपका, जो रिएक्ट कर रहा है, जो आप डाल रहे हो अलग से, और एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? फैटी एसिड मिलेगा वहां पर, वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये था कि हमने एक ब्रेड ली टेस्ट ट्यूब में और हमने उसके अंदर सलाइवा ह्यूमन सलाइवा डाला, तो बताइए कि क्या रिएक्शन होगा? यस, सिंपल सी बात है, सलाइवा क्या करना था, सलाइवा के अंदर क्या होता है, एमाइलेज होता है। यस सर, सलाइवरी एमाइलेज 400 कन्वर्ट कर देगा माल्टोस आइसोमाल्टोस से लिंक। क्या करेगा बताओ, क्या कर सकता है वो? यस सर, भाई सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, एमाइलेज क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, शुगर को तोड़ेगा स्मॉल पार्टिकल्स में। यस सर, मतलब वो शुगर में तोड़ेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, किसके अंदर, माल्टोस बोल दो या ग्लूकोज बोल दो। यस सर, यस सर, अगला क्या था? वाटर्स व्हेन वी ईट समथिंग सर, लेकिन सर माल्टोस से क्या होगा सर उसमें, लेकिन क्या चीज सर माल्टोस से का चेंज क्या आएगा सर उसमें बेड के अंदर? कार्बोहाइड्रेट तो होगा ना, रिएक्शन हो जाएगा भाई, ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता नहीं होता है? यस सर होता है। आपने ब्रेड के ऊपर सलाइवा डाला है एक ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर आपने ब्रेड का पीस लिया, ठीक है, उस ब्रेड के पीस का आपने सलाइवा डाला, अब वहां पे रिएक्शन चल रही होगी। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी, सलाइवा के अंदर एमाइलेज होता है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसके अंदर उसको तोड़ के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन द सेंस ऑफ माल्टोस या ग्लूकोस। ठीक है, यस सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? लेकिन सर चेंज क्या आएगा सर उससे, लेकिन सर चेंज क्या आएगा सर उससे, सर माल्टोस के बनने से चेंज तो कुछ नहीं, तो एक्सपेरिमेंट है, चेंज तो कुछ नहीं आएगा, ये माउथ के अंदर थोड़ा ना कर रहे हैं कि आगे चला जाएगा बोलस, काइन में चेंज हो जाएगा बाद में, और डाइजेस्ट हो जाएगा वहां पे, ये तो केमिकल चेंज जो होकर होगा। क्या ये सर, ये केमिकल चेंज होगा जिस जो होगा उस टेस्ट ट्यूब? हाँ, मतलब सिंपल सी बात है, वहां पे सिर्फ एमाइलेज ही एंजाइम है ना, और एमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, बाकी जो कुछ भी होगा चाहे प्रोटीन हो चाहे कुछ भी हो उसके अंदर सब्सटेंस, उसको नहीं तोड़ पाएगा वो। ठीक है, वो तो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ मान लो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा अलग चीज में। ठीक है, यस सर, यस सर। और नेक्स्ट क्या था? व्हाई डज आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी ईट समथिंग? ओके, क्या आंसर बोलो बताओ? सर इसका आंसर ये होगा कि जब हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो सर पेरिस्टाल्सिस के लिए और वाटर को और हमारे फूड को मॉइस्टन करने के लिए हमारे जो आईज से ब्रेन में सिग्नलिंग जाती है और फिर ब्रेन सलाइवरी एमाइलेज से सलाइवा सेक्रेट करवाते हैं और फिर जिससे कि प्रोसेस ओकर हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है। मतलब होता क्या है कि जैसे हमें खाना रखते हैं हमारे सामने, तो सही बिल्कुल सही बताया इसने कि ब्रेन के अंदर सिग्नल जाते हैं कि भाई हमारे पास फूड आया है और फूड हमें देख के बहुत डिलीशियस फील हो रहा है। ठीक है, उसी की फीलिंग से ही हमारे जो सिग्नल होते हैं वो सीधा जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड पे और वहां से सिक्रीशन करवाते हैं। ठीक है, सर एक चीज पूछनी है, अगर हमारी आईज क्लोज है और नोज ब्लॉक है और हमने तब फूड लिया तब भी तो वाटर होगा, तो सर यहाँ पे मतलब आईज क्लोज है तो पता कैसे चलेगा फूड आया नहीं है, तब थोड़ा निकलेगा।
बॉडी को तो पता ही चल जाएगा सेंसेशन से मैं ये कह रहा था सर नहीं तब भी तो होते ही अगर हमारे आईज क्लोज है नोज ब्लॉक है और हम कुछ खा रहे हैं अगर हमारे ब्रेन को पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे खाना है हमारे पास ठीक है तो मे भी हो सकता है वरना नहीं पता चलेगा सर तो मतलब अगर नहीं पता चला ब्रेन को तो वो खाना मतलब सॉलिड से ही चला जाएगा फूड पाइप में मतलब वो भी जाने ऐसा नहीं होगा भाई हम मुंह के अंदर थोड़ी रखेगा ना हमने सिर्फ ये रखा कि अगर हमारे सामने खाना रखा हो तो क्या होगा सर क्वेश्चन में ईट है अच्छा मुझे लगा रखा हो ओके और लार्जेस्ट ग्लैंड सर इसका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन वॉमिट्स आउट मिल्क व्हेन ही ड्रिंक्स इट व्हाट इज द रीजन जैसे अ पर्सन वॉमिट आउट मिल्क एवरी टाइम ही ड्रिंक्स व्हाट इज द रीजन क्या हो सकता है मतलब वो पर्सन बड़ा हो गया है और उसके पेट में प्रोटीन का जो रिलीज है वो खत्म हो चुका है और पेप्सी नहीं है और प्रोटीन नहीं है जिसकी वजह से मिल्क प्रोटीन के ऊपर वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है और मिल्क प्रोटीन सारा पता है समझाओ चलो इसको सबको क्या सर समझाओ सही बता रहे हो बिल्कुल आप इसका ये रीजन होगा कि जैसे कि पर्सन इन्फेंट से एडल्ट बनता है तो सर उसमें उसके स्टमक में प्रोटीन का जो सेक्रेशन होता है वो कम होता रहता है और कई बार वो खत्म भी हो जाता है तो इस पर्सन के केस में प्रोटीन का जो सेक्रेशन है वो खत्म हो चुका है जिसकी वजह से मिल्क प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा हमारी बॉडी के अंदर यस सर और फिर वो उसे वॉमिट आउट कर रहा है बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है हां बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी तो वॉमिट आउट कर देगा सर बट बता देना ये जो होती है चीज इसलिए होता है क्योंकि मिल्क इनटेक नहीं हुआ बहुत टाइम से या ये नेचुरल ही होता है नहीं सिर्फ ऐसा होता है ना कि बोलते हैं मतलब कि बच्चों को दूध देते हैं लेकिन जो एजिड हो जाते हैं उनको बाद में मिल्क के लिए मना करते जाते हैं क्योंकि मिल्क उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता ठीक है मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे मिल्क को तोड़ने वाला जो प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जाता है मतलब वो प्रोडक्शन उसका कम होने चला जाता है एज के साथ साथ सर बट मैंने तो ऐसा देखा नहीं मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है वो भी मिल्क लेते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अभी उनका एंजाइम खत्म नहीं होगा ना डाइजेस्ट नहीं होगा ऐसे होता है पढ़ना उसे गूगल पर सर्च करना ठीक है ओके सर ऐसे होता है ठीक है यस सर नेक्स्ट सर हाउ वुड डाइजेशन ऑफ फूड वुड बी अफेक्टेड इफ बाइल डक्ट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड तो कैसे होता सर बाइल सर फैट्स की डाइजेशन पूरी नहीं होगी सर फैट्स की डाइजेशन नहीं हो पाएगी फिर मजे पे कैसे फैट डाइजेशन हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूट्रिशन अमीबा को एक्सप्लेन करना है सर वो तो आता है चलो ठीक है अगला सर हाउ डू गार्ड सेल मैनेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर हां ये बताओ चलो सर स्वेलिंग का और उसका देगा श्रिंकिंग का कैसे बताओगे इस चीज को बताओ अब आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दो नंबर में आपके पास आप कैसे एक्सप्लेन करोगे सर व्हेन द वाटर गोज इन द गार्ड सेल दे बिकम स्वेलन एंड सर देन द स्टोमेटल पोर ओपन्स कंसंट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि लाइट रिएक्शन की वजह से ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है इसीलिए ओके तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उससे क्या होगा सर अंडर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो फिर सर वाटर और सॉल्वेंट क्लोज होता है देखो डे टाइम में क्या होता है
कि फोटोसिंथेसिस होती है ना, लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस होती है और क्या बनते हैं यहाँ पे, फूड बनता है ना, फूड बनेगा मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इससे क्या होगा, ये हमारी यॉर्क सेल है और कंसंट्रेशन गैप, ये हमारी यॉर्क सेल है, ये सब्सिडियरी सेल्स हो गई, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, विजिबल नहीं है सर, है ये सर अभी विजिबल है, हाँ बताओ, ये गार्ड सेल हो गए, अब क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो पानी विल गोज आउट, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, पानी बाहर निकलने से क्या होगा, ये जो गेट है हमारे ये ओपन हो जाएंगे, नाइट टाइम में क्या होता है सर, वो क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त क्योंकि खाना नहीं बनता है, तो बाहर से पानी लेंगे अंदर स्वेल करेंगे तो ये चीज क्लोज हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है फंडा, मैंने लिखवा रखा आपको, यस सर, पैसे बन जाएगा यहां पे, पैसे प्लांट में ट्रांसपिरेशन कब होता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन कब होता है, डे टाइम, यस सर, डे टाइम में, ठीक है, ट्रांसपिरेशन विल मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है वो डिपेंड करता है ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, और दूसरा डिपेंड करता है कि प्लांट किस टाइप का प्लांट है, शॉर्ट हाइटेड प्लांट है, लॉन्ग हाइटेड प्लांट है, ओके सर, ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन के अंदर रूट प्रेशर लगता है और क्या लगता है, ट्रांसपिरेशन के अंदर, हाँ ट्रांसपिरेशन के अंदर एक तो रूट प्रेशर काम करता है और सेकंड फोर्स कौन सा काम करती है, ट्रांसपिरेशन पुल, जो फोर्स होती है वो काम करती है, क्योंकि जो रूट प्रेशर होता है वो लॉन्ग हाइटेड प्लांट के लिए कामयाब नहीं होता है, तो उसकी जगह क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ट्रांसपिरेशन पुल मैंने समझा रखा है, बाहर से जब एनवायरमेंट से सक्शन प्रेशर लगती है तो एक चेन बन जाती है वाटर की, वही चेन कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक वो प्रेशर बाहर की साइड इंक्रीज रहेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट आती है जब, बिल्कुल बिल्कुल, फिर उस तक रुक जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन से जो CO2 इवॉल्व हो रही है वो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है प्लांट, यही बोल रहे हो ना, यस सर, ये क्वेश्चन था सर, इसका आंसर होगा सर फोटोसिंथेसिस में उसको यूटिलाइज, सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन के थ्रू अगर मान लेते हैं CO2 प्रोड्यूस होती होती है, तो हमने देखा था हमने साइकिल के थ्रू, है ना, यस सर, जैसे CO2 निकलती है तो वो दोबारा से फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो सकती है, कहां के अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर, हो सकती नहीं हो सकती है, यस सर, यस सर, तो फिर चलो मेरे ख्याल से अब तो कोई डाउट ही नहीं आपको में, है ना, यस सर, ओके, तो एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक तो ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का टेस्ट लूंगा मैं, और एक इसका लाइफ प्रोसेसेस वाले का, ठीक है, दोनों का, ठीक है, दोनों कंबाइन लूंगा, ओके ओके सर, ओके सर, ठीक है, और कोई डाउट होगा आपको लाइव प्रोसेसेस में या इसमें, तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो टेस्ट होने से पहले, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाला, और फिर उसके बाद इकोलॉजी हमारा, ओके सर, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, ये 19 का आंसर क्या था, 19 वाले का।
लीवर था हाँ लीवर था ओके थैंक्स